जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पुरवाई जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साष्टांग दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। जो कथा वाचन करते हैं, जिसको सत्संग भी कहा जाता है, प्रवचन भी कहा जाता है, जो प्रवचन करते हैं, असल में वो प्रवचन है, सत्संग नहीं है, प्रवचन। तो प्रवचन के मध्य कभी कभी सुने होंगे लोग उनको कहते हुए कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीन। तो ऐसा भगवान कहाँ पर कहे हैं और क्यों कहे हैं और किसको कहे हैं, ये रहस्य है, इसका बात चर्चा करेंगे। एक राजा थे अम्बरीश राजा, और एक सन्यासी थे दुर्वासा। अम्बरीश राजा, अम्बरीश जो हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी के अनन्य भक्त थे। राजा होते हुए भी वो भगवान की सेवा स्वयं करते थे, मतलब रात को अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल जल्दी उठते थे, जैसे दूसरी राधा उठती है अर्ली मॉर्निंग दो बजे ढाई बजे, वैसे 2 बजे समय निश्चित है। वो भगवान पर निर्भर करता है, भगवान मेरे स्वामी कब उठना चाहते हैं तो एक साथ उनके साथ उठते हैं। तो अम्बरीश भी ऐसे जल्दी उठ करके वो भगवान का जहाँ उनका दरबार है या पूजा का स्थान है, कमरा है भगवान का, तो जहाँ बिराजते हैं उसको पूरा जा करके सफाई करना, झाड़ू पोछा और ये सब बातें वो स्वयं करते। राजा होते हुए, अब बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती जैसे राजा थे, ऐसा मुझे स्मरण। अब बड़े निष्ठा भगवान के, बड़े श्रद्धा और निष्ठा पूरा भरा हुआ। तो एक बार दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंच गए और अपने मंडली के साथ जाते हैं। ये ऋषि मुनि जो है अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ उनके शिष्य आदि गण सब रहते हैं, सब सेवा शुश्रूषा भी करते रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। तो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि मैं स्नान करके अभी आ रहा हूँ, हम लोग आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे भिक्षा लेंगे, मतलब भोजन करेंगे। तो वो समय ऐसा था कि उस समय स्नान करते करते आते आते उनके लिए भोजन तैयार होना मुश्किल था। नहीं, एकादशी का व्रत था उनका, अम्बरीश ऋषि का एकादशी व्रत था, तो उनका पारण करने का समय हो गया था। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी होगा, फिर द्वादशी को पारण होता, मतलब उसका भूखा जो रहते हैं उपवास करते हैं, तो उसका वो जो आहार ग्रहण करते हैं उसको पारण कहा जाता है। तो वो भूखे थे, उपवास किए हुए, अम्बरीश ऋषि जो है उनको पारण करना था। तो वो नहाने स्नान करने चले गए और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अम्बरीश ऋषि, वो आए नहीं। जब आए नहीं तो ये थोड़ा सा उनके सेवक आदि राजा राजमहल में जो है परेशानी हुई लोगों को कि ये भूखा बैठे हुए हैं और वो आ नहीं रहे हैं जल्दी, ये कैसे होगा क्या होगा। और बहुत विलम्ब हो गया, तो उनके ब्राह्मण लोग जो थे उनके संस्कार करने के लिए, उन्होंने राय ये दिया कि जल ले लीजिए राजा को। तो अम्बरीश जो है जल ले ली, थोड़ा सा जल पी लिए। तो उसके बाद जो है दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए और उनको पता चल गया, वो सिद्धियाँ उनके पास रहती हैं इन लोगों के पास, और उसी से उनको पता चल गया कि ये मेरे आने की प्रतीक्षा नहीं किया है और जल से अपना पारण कर लिया है, जिससे मेरा अपमान हुआ है। तो दुर्वासा तो महाक्रोधी, तो उनको क्रोध हुआ और उन्होंने जो है अम्बरीश को श्राप देने के लिए वो तैयार हो गए। जहाँ तक मुझे स्मरण है श्राप देने के लिए तैयार हुई, इसी में सब है, एक दो पुष्टि इधर उधर होगा, लेकिन कहाँ देखेंगे अभी, उसका सार यही है बता दे रहे हैं। तो भगवान का चक्र जो है सुदर्शन चक्र वो सामने आ गया,
अम्बरीश को बचाने के लिए, इसके श्राप से, दुर्वासा जी के श्राप से अम्बरीश राजा को बचाने के लिए वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। प्रकट होकर के वो दुर्वासा की तरफ बढ़ा और दुर्वासा जी ने जब देख लिया, पहचान ली तो सुदर्शन चक्र वो भागे तो सुदर्शन चक्र उनको दौड़ाया। वो कहाँ शिव जी के पास गए, फिर ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के यहाँ कहाँ गए और सब जगह, तो सभी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर भगवान साक्षात श्री कृष्ण चंद्र नारायण के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें मेरा कोई दखल नहीं हो सकता है, तुम जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई है, दुर्दशा हुई है, उसी के पास जाओ, वो तुमको क्षमा कर देगा तो ये सुदर्शन चक्र हट जाएगा, मैं नहीं हटा सकता। तो वो फिर लौट के अमरीश के पास आए, उनको मिन्नतें की, विनय होकर के उनसे प्रार्थना किए कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, सुदर्शन चक्र को हटा लो। तो अमरीश शिकार है, अरे महात्मा आप क्या ये कर रहे हैं, कोई आवश्यक इसका नहीं है, सुदर्शन चक्र चला जाएगा, ऐसा मत करिए और अपना भोजन ग्रहण करिए, इस तरह से निवेदन। तो उसी क्रम में ये भगवान जो हैं ये लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी के पास पहले गए, फिर शिव जी के पास गए, फिर शिव जी ने कहा कि हमारी उसमें कोई अधिकार हक नहीं है, तुम जो मुसीबत में पड़ गए हो। कह रहे हो मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपांतरतम देवल धर्म आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते क्योंकि हम उसी माया के घेरे में पड़े हुए हैं। शिव जी कह रहे यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है, तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वहां से निराश होकर बैकुंठ धाम में गए। तो लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं, तो दुर्वासा जी वहां पहुंचे, चक्र की आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं, प्रभु विश्व के आदि जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आपका परम स्वभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है, मुझे उससे बचाइए, आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। इस तरह से भगवान की प्रार्थना की, तब भगवान दुर्वासा जी को ये बातें समझा रहे। उसी में भगवान ने ये कहा है, ये भागवत महापुराण का नवम स्कंध का श्लोक संख्या 63, 64, 65, 66, 67, 68 आदि आगे, ये सब दुर्वासा जी भगवान कह रहे हैं, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। संस्कृत में कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय हो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मैं मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है, भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, तो यही अहम भक्त पराधीन हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं भक्तों का मैं एकमात्र आश्रय, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, मतलब मैं अपने अपने को जितना चाहता हूँ उससे ज्यादा अपने भक्तों को प्यार करता हूँ, ऐसा कह रहे, और ना अपने अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ उतना। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन यह लोग और पर लोग सबको छोड़कर केवल मेरे शरण में आ गए, कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। ये डीके पंडा का जो अनुभव है अपने साधना काल का, वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। डीके पंडा भी ये सारी बातें जो भगवान कह रहे हैं वो सब उससे छूट गए, उसको छोड़ना भी नहीं पड़ा,
वो अपने आप छूट गए, भगवान ने ऐसा लीला किया कि सब छूट गए, ऐसी शक्ति दिया उसको सब सहने की, छूटने जब छूटते हैं ये सब तो एक पुत्र हट जाए तो आदमी तो मर जाएगा, ऐसा मनुष्यों की दशा होती है। लेकिन यहाँ पुत्र भी दो दो पुत्र, पत्नी और पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति जो सब सब छूट गए, सब छूट गए। और यह लोग और परलोक की बात तो हम डीके पंडाल नहीं सोचा था, लेकिन बाकी सब सब, सब, सब वो तो भगवान सोचे होंगे। तो उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे भक्त को भगवान कह रहे हैं। जैसे सती स्त्री, ये स्त्रियों के लिए, जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांधे रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को पूर्ण परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। सेवा, दूसरी राधा भी यही कहती है भगवान से कि मैं तो आपकी दासी हूँ। चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो जी, ये मीराबाई का एक गीत है। चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो जी, चाकर रहसो बाग लगासो, चाकर रहसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो। चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो जी, चाकर चाकरी करूंगा आपके यहाँ, नौकर बन के रहूंगी, दासी बन के रहूंगी, तो आपका दर्शन भी तो मिलेगा मुझे, तो इसलिए मुझे चाकर रख ली। आगे और भी है फिर गाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गाएंगे। मेरे कृतकृत्य मानते हैं अपने को, मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और फिर मेरे समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को तो क्या बात ही क्या है, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं हम आपकी सेवा करते रहे, हमको मुक्ति उक्ति मत दीजिए। भक्तों की ऐसी लालसा होती है, भगवान की सेवा में इतना मजा आता है, इतना आनंद होता है, इतना खुशी होता है, भगवान का स्नान कराइए, उनका पूछिए साफ सुथरा करके और उनका श्रृंगार करिए, फिर उनको बैठा के पूजा करिए, पूजा में भोग लगाइए, फिर उनको पुष्प चंदन माला चंदन इत्र आदि सब लगाइए, ओ हो धन्य 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 हो जाए मनुष्य। भगवान पूरा थ्री डायमेंशनल होके प्रकट होते हैं मेरे सामने, जब पूजा वगैरह होता है वैसे भी मैं दर्शन करती हूँ, देख लेती हूँ उनकी तरफ, तो वो पूरा सखेत सजीव साकार पूरा सामने खड़े रहते हैं, ऐसी उनकी कृपा। और वो मधुसूदन आचार्य जो लिखे हैं एक पद, क्या नाम, वंशी विभूषित करान्नव निरदाभा पीताम्बराधर बृंद फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। ये मधुसूदन आचार्य जी है बनारस वाले, उनका लिखा हुआ एक पद है ऐसा मुझे मालूम हुआ है, किसी में लिखा भी हुआ है छपा। तो ये श्लोक जब मैं पढ़ती हूँ दरबार में भगवान का नीचे, तो हमेशा मैं भाव विभोर हो जाते हैं भगवान की सुंदरता देख करके, और ऐसे सुंदर भगवान और सार्थक सर्वसमर्थ भगवान की सेवा करने का अवसर भगवान जो प्रदान किए हैं, वो
ध्यान में आते ही आश्चर्यचकित होने के साथ साथ विभोर हो जाता हूँ। कहाँ आईपीएस अफसर और कहाँ भगवान का भक्त, कितनी बड़ी कृपा। आईपीएस अफसर बनने का मतलब है कि उसकी बुद्धि गया ऐश्वर्य की तरफ, सुख शांति भोग की तरफ, मौज मस्ती की तरफ, अहंकार की तरफ, और भगवान सब छुड़ा करके साफ सुथरा साबुन उबुन सब मिला रगड़ रगड़ के नहाला धुला करके भगवान साफ सुथरा करके अपने पास रख लिए और फिर दासी भी बना ली। भगवान की प्राप्ति हो चुकी है 2003 में, बाबा कृष्णानंद बन चुके हैं, आनंद का परमानंद और परम शांति मिल चुका है। उसके बाद भगवान स्त्री भाव दे करके परिग्रहण करके अपने धर्मपत्नी बना ले रहे हैं, अर्धांगिनी बना ले रहे हैं, अपने प्रियतमा बना ले रहे हैं, अपने प्रेयसी बना ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी चमत्कार की बात है। दुनिया में अगर कोई एक चमत्कार है तो वो यही दूसरी राधा। तो ये भक्ति है और ऐसी भक्तों को भगवान कह रहे हैं मैं कैसे अनदेखी कर दूं, कैसे मैं उनके मूल्य ना दूं, उनको भाव ना दूं, उनको प्यार कैसे ना करूं, ऐसे कह रहे हो। दुर्वासा जी मैं आपसे और क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं जानता। भगवान भी वही बात कह दिए। तो इसलिए बार बार मुझे यही अनुभव होता है, होता रहता है हमेशा कि मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, ना कुछ और जानना चाहती, ना किसी से कोई मतलब रखना चाहती, केवल भगवान, दिन रात केवल भगवान श्री कृष्ण नाम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तरह तरह के अवसरों पर सब पूरा सेट है 24 घंटे का। सोने के समय भी भगवान का नाम लेके सोते रहते हैं तो वही चलता रहता है। जरा सी अगर उठे हैं निद्रा से तो भगवान का नाम चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कह के सोते समय यही भगवान का स्तुति जो है जपना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते 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 सो जाते हैं, पता नहीं चलता, और जब उठते हैं तो फिर वही चलता रहता है, कृष्ण 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 चलता रहता है। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। तो उसी के पास जाइए जिसने जिसके कारण आप मुसीबत में पड़ा। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। ये ब्राह्मण है ना दुर्वासा, जितने सन्यासी हैं वो सब ब्राह्मण, वो नियम है। अभी वो रामदेव बाबा जो है हरिद्वार वाला योगासन सिखाता है, वो यादव है, ब्राह्मण नहीं है, वो गलत सन्यासी सन्यासी है ही नहीं, जबरदस्ती होने में। तो ब्राह्मण भी उद्दंड हो जाए, नियम भी बता दिए भगवान, अन्याय हो जाए तो वो उसका जो तपस्या है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो उल्टा फल देंगे, मतलब उसको तकलीफ देंगे। नहीं तो तपस्या से कल्याण होना चाहिए, वो उल्टा फल मिलेगा। तो भगवान इस तरह से अहम भक्त पराधीन से प्रारंभ करके ये 71वें श्लोक तक जो है, ये 63 से 71 इतने श्लोक में भगवान पूरा भक्ति की अपने भक्तों के लिए भगवान का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिवोटीज एंड गॉड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भगवान और भक्त के बीच में आपसी जो संबंध है, उसको भगवान ने एकदम निरूपण कर दिया, तय करके बता दिया कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं, इसमें तीसरा कोई किसी का स्थान नहीं है, जो गड़बड़ गड़बड़ करेगा उसको सजा मिलेगा। जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे।